अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल मनान मीर। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिनका मानना है कि उनके पास जितनी माल दौलत और जितनी विरासत के वो हकदार हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस पूरी दुनिया में या मेरी जानकारी में इतना कोई होगा। लेके चलते हैं आपको एक ऐसी शख्सियत के पास, उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं इससे आगे के बारे में। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, क्या हाल है सर? क्या हाल है सर? ठीक ठाक, खैरियत से। सर सबसे पहले तो व्यूअर्स को अपना नाम इंट्रो करवाएं। सर मेरा नाम है मोहम्मद अली और मैं तरामड़ी का रहने वाला हूँ। ठीक है, और चलो बिजनेसमैन कहलाता हूँ अली भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बताएं कि आपका ये बिजनेस माइंड कब बना और इसका मतलब आगाज़ आपने कहाँ से किया? मनन भाई, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का कि मैं जब से मैं बड़ा होना शुरू हुआ हूँ ना, तब से मेरी एक ही सोच है, एक ही जहन है। मुझे घर वाले भी कहते हैं जॉब कर, तुझे हम पढ़ा लिखा के जॉब करेंगे, मगर मेरा सोच यही है और मेरा जहन यही था बिजनेस। इस मुकाम पे मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन कहलाता हूँ पाकिस्तान का। ठीक है, और पाकिस्तान की इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने में मेरा बहुत बड़ा हाथ। मैं ज़रा ये जानना चाहूँगा कि मैंने सुना है कि आपने जो आगाज़ किया था अपने बिज़नेस के सेटअप का, कुछ शवारमा टाइप इस तरह, मतलब कुछ फास्ट फूड से स्टार्ट किया था, वो ज़रा मैं। जी हाँ बिल्कुल, मैंने एक फूड कॉर्नर रिफ्रेशमेंट सेंटर एक जगह पे ओपन किया था और आप मानेंगे नहीं कि वो इतना चला कि उससे मैंने 3-4 होट और वो बहुत ब्रांड बन चुका था। फिर वो 3-4 मैंने होर खोले, इतना मुझे प्रॉफिट हुआ कि ठीक है। फिर मैंने एक मकान लिया, मकान मैंने वो किराए पे लगा के कुछ ऐसे बंद मकान बेचे, मकान ने भी मुझे 10-12 लाख का प्रॉफिट दिया। इस तरह करते करते मैं आज इस मकान पे हूँ कि मेरे अपने सेंटोरियस मॉल्स जैसे अपने मॉल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे मॉल्स हैं। सेंटोरियस मॉल का सुना था कुछ ऐसा कि वो आप खरीदने वाले थे? हाँ बस, उसका वो क्या था, मतलब वो व्यूवर्स मेरे जानना चाहते हैं उस बारे में। हाँ भाई, सेंटोरस में ये है कि हम लोग सेंटोरस खरीदने शेयर्स खरीदने लगे थे सेंटोरस के, बट उस टाइम मालिक से मेरे जो डैड हैं उनकी तू मैं हो गई थी, इसी तरह हमने उसके शेयर्स परचेस किए। मगर जो दूसरा था उसका पार्टनर था, उससे हमने शेयर्स परचेस किए हैं और काफ़ी हद तक किए हैं, मतलब तकरीबन आधा सेंटोरस जो है वो मेरा है। असिस्टेंट है, ये आपसे बात करेगा और ये आपको थोड़ा सा गाइड करेगा मैंने किस तरह वो जगह पर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या नाम है आपका? शेख सलमान भट्टी। ठीक है सलमान भट्टी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भट्टी साहब, जैसा कि अली भाई अभी बता रहे थे कि जो है ना सेंटोरस प्लाजा ये ख़रीदने वाले थे और ऑनर से किसी बात पे तू में होने के बाद इन्होंने साथ अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? मतलब इस बारे में ये ख्याल है कि आपको पता है कि ये पर्सनल पर्सनैलिटी है। ठीक है, पर्सनल पर्सनैलिटी है। ठीक है, पाकिस्तान में तकरीबन सब नहीं तो हर सेकंड लेवल तो बंदा इनको जानता है। ठीक है, सेंटोरस मॉल में इनके झगड़ा वगैरह की वजह से शेयर नहीं खरीद सके। ठीक है, ये समझ लें कि उसी चीज़ पर इन्होंने अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। ठीक है, आपको पता है कि अली ने नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो आपने ओवरऑल देखा होगा कि प्लाजे तकरीबन एक जैसे होते हैं, लेकिन अली भाई का जो नया प्रोजेक्ट है ना उसके अंदर इन्होंने प्लाजे को टायर लगाए हैं। ठीक है, टायर लगाए मतलब प्लाजे में टायर लगाए कौन से, मतलब किस टाइप के टायर? बड़े जो हैवी उनको पता आपको, हैवा बाइक वो यूज करते हैं ऑल टाइम मोटर बाइक। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो उन्होंने टायर लगाए हैं, वो प्लाजा अपना जहाँ पे मर्जी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब चलता फिरता बिजनेस है ना। मार्केट में एक नई चीज आई है देखने को, चलता फिरता बिजनेस सुना ही था आपने, लेकिन ये चलता फिरता बिजनेस आप देख लेंगे वो नहीं है, इसमें आप प्लाजा अपना साथ लेके कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आप अपना बिजनेस शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में अली भाई से इस कामयाबी का राज और ये मतलब नीचे से इतनी ऊंची उड़ान तक पहुंचना, जो कि हर बंदे के लिए एक मतलब एक स्टोरी होती है, हर वो कहते हैं कामयाब बंदे के पीछे एक औरत कहा जाता है, मैं आज इनसे जानना चाहूंगा इनके पीछे किसका हाथ है। इनके पीछे तो कुछ मालूम है कि नर्स है। अच्छा, कोई नर्स का हाथ बताया जाए। चले अली भाई की बात तो हमने सुनी, अब मैं थोड़ा सा इनके असिस्टेंट से जानना चाहूंगा कि वो इनके साथ कब से और कितनी देर और मतलब सर्वाइव कर पाएंगे अली भाई के साथ। ये शेयर करना चाहूँगा कि आप मुझे थोड़ा इस बारे में बताएंगे अली भाई का रहन सहन कैसा है, बोल चाल, उठना बैठना, मतलब वो ड्रेसिंग, वो सब मैं जानना चाहता हूँ, तो आप मुझे बताएं। मैं तुहानू अली भाई के बारे दसना वा कि मैनू तकरीबन जो इन्होंने दूसरा प्रोजेक्ट ही ना उदों का इन्होंने नाल मैं काम करना पाया। ठीक है, तो पार्टनर समझ लो इन्हों का, तो ये इन्हों का 5-स्टार होटल के ज़्यादा अरसा गुजरता इन्हों का, ये हर किस्म की गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, फॉर्चूनर, BMW। ठीक है, लेकिन मैनू समझ नहीं लगती ना मेहरान गड्डी क्यों रखी है। अली भाई ज़रा मुझे अपनी गाड़ी के बारे में तो बताएं, मतलब सुना है कि आपकी गाड़ी में बहुत फीचर्स हैं और मतलब
ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਗਾੜੀਆਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬਟ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਹਿਰਾਨ ਹੀ ਕੋ ਕਿਉਂ ਚੁਣਾ ਮਹਿਰਾਨ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਚੋੜੇ ਨੇ ਰਿਮ ਤੋਂ ਵਿੰਡੋ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰਿਮ 0 ਟੂ 100 ਜਾਵੇ ਮਹਿਰਾਨ ਮੇਰੀ ਵੀ ਦਿਨ ਫਿਊਜ਼ ਦੇ ਗੇਂਸ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شوز پہنتے ہیں یہ تقریباً 15,000 to 25,000 کے درمیان ان کی پرائز ہے ٹھیک ہے تقریباً ویکلی شاپنگ ان کی ہوتی ہے شاپنگ چھوڑو ان کو گفٹس وغیرہ وہ تقریباً ہر برانڈ کے ان کو شو ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی نیا گفٹ آتا ہے کوئی بھی نیا مارکیٹ میں کپڑا آتا ہے ڈریس آتا ہے وہ علی بھائی کو گفٹ ہوتا ہے برانڈ یوز کرتے ہیں جیکٹ وغیرہ وہ آؤٹ فٹ ہے وہ برانڈ آپ کو پرائز وغیرہ پتہ ہوں گی کیونکہ منان بھائی یہ سب کچھ اس لیے مجھے گفٹ کرتے ہیں کیونکہ سب سے پہلی بات ہے کہ میرے ہی جگہ پہ پلازو میں ان کی شاپس ہیں ٹھیک ہے ایز اے اونر وہ مجھے سب سے پہلے گفٹ پیش کرتے ہیں اور تاکہ وہ میرے سے پکچرس وغیرہ بھی لیتے ہیں کیونکہ ایک میں سیلیبریٹی بھی ہوں ماڈلس بھی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ وہ پیچھے دیکھ کے لگاتے بھی ہیں اپنے فریم وغیرہ میں چلو بہت شکریہ آپ کا ہمیں نیکسٹ بھی ان شاء اللہ ہم علی بھائی سے ملتے رہیں گے اور ایسی ویڈیوز آپ کے سامنے علی بھائی کی لائف انٹرسٹنگ لائف کے بارے میں آپ کو بتاتے رہیں گے تب تک کے لیے اجازت السلام علیکم